दोस्तों, आंखें ना हो तो पूरी जिंदगी अंधेरे में बिताना पड़ सकता है। आंखें हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो अजर अमर है, ये कभी मरता नहीं है। जब तक आप जिंदा होते हैं तब तक ये आपको पूरी दुनिया का सैर कराएगा, और जब आप मर जाते हैं तो किसी और व्यक्ति की जिंदगी को रोशन कर सकता है। आंख की वैल्यू उस व्यक्ति से पूछो जो अंधा है, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना अनमोल हीरा है। तो आंखों से संबंधित 10 घरेलू टिप्स बताऊंगा जिससे आप आंखों को नुकसान होने से बचा सकते हैं या फिर नुकसान हुए आंखों को ठीक कर सकते हैं। बस ये वीडियो अंत तक देखें। करोड़ों वीडियो को देखने से अच्छा है कि आप 10-15 मिनट का ये वीडियो को देखें और बताए गए टिप्स को पालन करें। तो पहला टिप्स है, कंप्यूटर, लैपटॉप और टीवी या किसी चीज़ को लगातार ना देखें। लगातार देखने से आपकी आंखें 100% सूख सकती हैं और थक जाएगी, जिससे आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा। इनसे बचने के लिए आप हर 15 मिनट में आप अपने आंखों का ध्यान उस वस्तु से हटाकर कम से कम 7 मीटर दूर रखी वस्तु को देखें, या सिंपल सा फंडा है या कमरे के कोने में रखी वस्तु को देखें और अपने आंखों के पलकों को झपकाते रहें, क्योंकि लगातार किसी वस्तु को देखने से हमारी पलकें बहुत कम झमकती हैं, जिससे नुकसान ही नुकसान होता है। तो टिप्स नंबर 2 है, जब आंख सूख जाए और खुजली और जलन होने लगे तो आप जो गलती करते हैं वो बिल्कुल भी ना करें। ऐसी स्थिति में आप तुरंत अपने आंख हाथों से आंखों को खुजलाने लगते हैं, लगता है आपको राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे व्यूअर्स। ऐसे में स्थिति और ख़राब हो जाएगी, आपकी आंखें लाल हो जाएगी, क्योंकि हाथों से हम तरह तरह के काम करते हैं जिससे हाथों में बैक्टीरिया आ जाती है जो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। आपको लगता होगा कि आपके हाथ साफ है, बिल्कुल साफ है, लेकिन बैक्टीरिया जरूर मौजूद है। अब आप दिन भर साबुन लेकर घूमोगे तो नहीं, लेकिन कुछ साफ आई टिश्यू पेपर तो रख ही सकते हैं, जो बिल्कुल नरम हो, जो आसानी से आपको दुकानों में मिल जाएगी। तो तीसरे टिप्स की बात करते हैं, सर्दी हो या गर्मी, जब आप घर से बाहर निकले तो आई प्रोटेक्शन चश्मा लगाकर जरूर निकले। अब ये नहीं कि पूरा सलमान खान बन के निकले। गर्मी में होता है तो या तो धूप बहुत ज़्यादा होती है और सन की रोशनी डायरेक्ट आंखों पर ज़्यादा पड़े तो नुकसान ही होती है, कम पड़े तो फायदा भी होती है। वैसे सूर्य की किरण समस्त प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये नहीं तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं। लेकिन कैसे जानना है तो आप सिंपली हमारे एनके टेकोल चैनल पे विजिट करें, वहाँ आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी सूर्य से रिलेटेड। सूर्य से हमें क्या क्या लाभ होते हैं उससे रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे मेरे दोस्त। तो बात करते हैं अब ठंड में चश्मा क्यों लगाए दोस्त। तो ठंड में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और धूल मिट्टी के कण तो किसी भी मौसम में हमारे आंखों में आ ही जाती है, जिससे हमारी नन्ही सी प्यारी सी आई पर दर्द होने लगता है और ठंड की वजह से सूज भी जाती है और फूल भी जाती है। टिप्स नंबर 4 की बात करते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। पानी तो सभी बीमारियों का रामबाण इलाज है, वैसे तो आपको पता ही होगा। वो कहते हैं ना, जल ही जीवन है, 100% नहीं कई गुना सही बात है। वैसे पानी पीते रहने से गला नहीं सूखता है और शरीर की क्रियाएं भी ठीक से होती रहती है, लेकिन मेरे दोस्त ये हमारी आंखों को भी फायदा पहुंचाता है। जब आंखें सूख जाती हैं या सिंपली बोले तो आंखों में आंसू जो बनती है कहाँ से बनती है, पानी से ही तो बनती है। टिप्स नंबर 5 की बात करते हैं, पावर वाला चश्मा को डेली लगाने से परहेज करें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि आंखों के आंसू में नमक होती है जो नमकीन होती है, ऐसा रिसर्च में पाया गया। जब आंसू वाले नमक आंखों से निकलती है तो हमारे कॉन्टेक्ट लेंस यानी पावर वाले चश्मे के शीशे में लग जाती है, वैसे वो नमक का होना जरूरी है लेकिन ज़्यादा होना भी नुकसान है। तो टिप्स नंबर 6 की बात करते हैं, आप रात भर सोए हैं या नहीं, या आपकी तबीयत कैसी है, ये सब आपकी आंखों को सुबह देखकर लोग पता लगा सकते हैं। दिन भर काम लेने के बाद रात में पर्याप्त नींद देना भी जरूरी होता है आंखों को।
रात होती क्यों है? क्योंकि हम शांतिपूर्ण वातावरण में अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को आराम दे सकें, तो आंखों को भी ज़्यादा से ज़्यादा आराम दीजिए। तो टिप्स नंबर 7 की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आँख ही एक ऐसा हमारे शरीर का अंग है जो कभी मरती नहीं है? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मरने से पहले आँखें डोनेट सेंटर पर कांटेक्ट करें, जिससे आपकी आंखें किसी के जीवन को उजाला कर सकते हैं। लेकिन मोतियाबिंद वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आंखों को ठीक रख इसलिए अपने आंखों को ठीक रखने के हर संभव प्रयास करें। टिप्स नंबर 8 की बात करते हैं। आंखों से रिलेटेड एक बहुत बड़ी बीमारी रतौंधी होती है। इसमें रोगी को दिन में दिखाई तो अच्छी देता है, लेकिन रात में सामने की चीज़ें भी ठीक से दिखाई नहीं दे पाता है। इसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। जब इसकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि आंखों का कर्निया, जिसे हम कनिका भी कहते हैं, सूख गया है। दोस्तों, खुल गया ना राज, पूरी बीमारी का राज। और इसमें क्या होता है, आई भी धुंधला धुंधला सा नज़र आता है, मटमेला सा नज़र आता है, और सफ़ेद रंग का स्राव होने लगता है जब रतौंधी जैसा रोग होता है। इसलिए बोलते हैं वीडियो को पूरा देखिए, इससे हम दोनों का फायदा है। आपको तो आपको पता ही होगा, और रहा मेरा सवाल, तो मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये फायदा होगा, क्योंकि हर एक एक जानकारी जुटाने में बहुत मेहनत लगती है यार। तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा चैनल को, आंखों की सारी बीमारी। तो टिप्स नंबर 9 की बात करते हैं। आंखों की सारी बीमारी विटामिन ए की कमी से होता है, मतलब रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल आइकन को भी नहीं दबाते हैं, तो आप हमारा वीडियो मिस कर देंगे। आगे बात करते हैं, टिप्स नंबर 9 की बात कर रहा था। वो विटामिन ए भरपूर मात्रा में लीजिए, आज से इसमें बहुत ताकत होती है। आपके पावर वाले चश्मे को लगाने से भी छुटकारा मिल जाएगा, अगर विटामिन ए आप भरपूर मात्रा में लेते हैं। विटामिन ए में कौन कौन से सब्जियां और फल आते हैं मैं बता देता हूँ। हरी पत्तीदार सब्जियां, ऑयली फिश, एग, बीन्स, ऑरेंज जूस, ऑरेंज फ्रूट, गाजर, सेब, लहसुन, प्याज, सोया मिल्क, शिमला मिर्च, दूध, बटर, मलाई, पनीर, आलू, काजू, किशमिश, छुहारा, ये सब ले सकते हैं। ये सारे आहार आपको आँखों के साथ साथ बॉडी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। इन सब में आँखों के लिए सबसे अच्छा आहार अंडा, मछली और हरी पत्तीदार सब्जियां हैं। अगर आप सब कुछ नहीं ले सकते हैं, तो अंडा, मछली और हरी पत्तीदार सब्जियां लीजिए। इससे आपके आँखों का रोग ठीक हो सकता है, या आपकी आँखें सुरक्षित रह सकती हैं। तो टिप्स नंबर 10 की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में कुछ जानना और सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो टिप्स नंबर 10 में मैं बात करता हूँ। आमतौर पे आंखें कई बार सूज जाती है, जिससे वह फूली नज़र आने लगती है। ऐसे थकान की वजह से या नींद ना पूरी होने की वजह से होता है। इसे ठीक करने का असरदार उपाय बताता हूँ। एक कॉटन कपड़ा लीजिए, उसे ठंडे दूध में डुबोकर, या फिर ठंडे दूध को फ्रिज में छोटे छोटे टुकड़ों में जमा कर, उसे किसी साफ और नरम कपड़े में लेकर आंखों पर सेक दीजिए। आंखों की थकान दूर होगी और सूजन भी कम हो जाएगी। ये अजमाया हुआ उपाय है दोस्तों, इससे बेहतर और कोई उपाय पर ना जाए। इससे अगर आपको वाकई में लाभ होता है, तो कभी भी 1 महीने बाद या 10 साल बाद हमें कमेंट जरूर कीजिए कि हमारे वीडियो से आपको क्या क्या फायदे हो रहे हैं। और लास्ट और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अपने बच्चों को वीडियो गेम और मोबाइल ज़्यादा यूज करने से बचाएं, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे दिन भर मोबाइल पे वीडियो गेम खेलते हुए नजर आते हैं। मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूँ दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट देखिए, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक 25 साल का आदमी और उसका पिताजी ट्रेन से अपने घर जा रहे थे। अचानक उसका लड़का ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर बच्चों वाली हरकत करने लगा। पापा, ये देखो बाहर का दृश्य कितना अच्छा है, कितनी सुंदर दुनिया है, और देखो नदी, तालाब, झरने। इतने में बगल में बैठे कुछ लोग उसके पिताजी को कहने लगे, अपने बेटे को कोई पागल डॉक्टर को दिखाइए, 25 की साल में पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। तो उसके पिताजी ने बड़ी विनम्रता से शांतिपूर्वक जवाब दिया, भाई साहब, आज ही मैं अपने बेटे की आंखों का ऑपरेशन या सर्जरी करवा के आ रहा हूँ। इतना सुनते हैं लोग पूरी तरह से चुप हो गए। तो ये था दोस्तों आंखों से रिलेटेड 10 घरेलू ऐसे टिप्स,
जिसे आप आजमा के अपने आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, हंसते रहिए और हंसाते रहिए और डेली हमारा वीडियो सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच पाते रहिए। तो जय हिंद।